हेलो दोस्तों, Realme 2 Pro काफ़ी अच्छा फ़ोन है अपने प्राइस ब्रैकेट के अंदर। स्पेशली 10 से 15 हज़ार के अंदर कोई भी दूसरा फ़ोन अभी अवेलेबल नहीं है जो आपको दे रहा हो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 660। Realme 2 Pro गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको मिलता है 6.3 इंच की डिस्प्ले जो कि फुल HD डिस्प्ले है। साथ ही क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 मिलता है जिसके अंदर आपको मिलते हैं 8 कोर्स जिसमें से 4 कोर्स क्लॉक्ड हैं 2.0 GHz पे और 4 कोर क्लॉक्ड हैं 1.8 GHz पे। 8 के 8 कोर क्रायो 260 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है जो कि लेटेस्ट आर्किटेक्चर है। साथ ही हमें मिलता है इसके अंदर एड्रीनो 510 GPU। आज हम करने जा रहे हैं इसके ऊपर गेमिंग टेस्ट। गेमिंग टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम दो गेम खेलेंगे और दोनों गेम हम एक घंटे तक खेलेंगे। एक घंटे तक खेलने के बाद में हम चेक करेंगे कि इसका कितना बैटरी ड्रॉप होता है और ये कितना गर्म होता है। हमने इसके ऊपर कवर लगाया हुआ है और हम कवर लगा के ही खेलेंगे क्योंकि ज़्यादातर यूजर्स कवर लगा के ही गेम खेलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस समय टाइम हुआ है 7:15 और हमारा बैटरी परसेंटेज है 75। तो सबसे पहले हम खेलेंगे एसफॉल्ट 8। एसफॉल्ट 8 हम हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग पे खेल रहे हैं। गेम प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ चल रहा है। मैंने कोई भी फ्रेम ड्रॉप नोटिस नहीं किया है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हम हाईएस्ट ग्राफिक सेटिंग पे खेल रहे हैं उसके बाद भी गेम प्ले काफ़ी स्मूथ है। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसका स्पीकर बहुत बेटर है। इस प्राइस रेंज में और भी फ़ोन्स हैं बट उनके अंदर इतना अच्छा स्पीकर आपको, इतना लाउड स्पीकर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, हमारी एक रेस पूरी हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने करीब 6 मिनट का गेम खेला है और 6 मिनट के बाद में हमारी बैटरी 2 पॉइंट्स ड्रॉप हो चुकी है। अभी तक सिर्फ हमने 2% बैटरी कंज्यूम करी है। तो चलिए अब हम पबजी खेलते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पबजी बहुत ही ग्राफिक इंटेंस और बैटरी कंज्यूम करने वाला गेम है। बाकी के बचे हुए 54 मिनट्स हम पबजी ही खेलेंगे अब। पबजी में मेरे को वार काफ़ी पसंद है। मैं नॉर्मल गेम नहीं खेलता हूँ जिसके अंदर बहुत टाइम लगता है। वार मुझे काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाती है। पबजी में भी गेम प्ले काफ़ी स्मूथ था, कहीं पे भी फ्रेम्स ड्रॉप नहीं हुए। बेस्ट पॉसिबल सेटिंग हमने चूज़ करी थी पबजी को खेलते समय। और पबजी खेलते हुए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म लग रहा है ऊपर की तरफ, जो कि इसका बैक साइड का फिंगरप्रिंट सेंसर और कैमरे वाला एरिया है, वो एरिया कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा है। प्रोबेबली यहाँ पर GPU और प्रोसेसर होगा। तो चलिए, पबजी भी हम खेल चुके हैं और अब चेक करते हैं कि हमारी बैटरी कितनी ड्रॉप हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरी 60 मिनट्स के गेम प्ले के बाद में 57% हो चुकी है। तो 17 से 18% के करीब हमारी बैटरी कंज्यूम हुई है 1 घंटा गेम प्ले करने के बाद में। तो इनकेस अगर आप पावर यूज़र भी हैं और आप 1 घंटा गेम प्ले करते हैं तो एस सच 20% आपकी बैटरी जाएगी और उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बैटरी की लाइफ पर। आपको फिर भी 1 दिन की बैटरी बड़े प्यार से मिल जाएगी। मैं मोस्ट प्रोबेबली रोज़ 1 घंटा गेम खेल रहा हूँ इसके ऊपर और मेरी बैटरी आराम से पूरा दिन चल जाती है। मुझे
ऐसा नहीं होता है कि सुबह को मैंने चार्ज किया है और फिर मुझे शाम को भी चार्ज करना पड़ रहा है। शाम को बड़े प्यार से 15-20% के करीब बैटरी बच जाती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।